पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली पर रजामंदी जाहिर कर दी। नए शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और भारत का मैच 15 की बजाय 14 अक्टूबर को होगा। मारूफ क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC और PCB के दरमियान वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस रीशेड्यूल होने के मामले पर इत्तेफाक हो गया है। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी रीशेड्यूल कर दिया गया है। पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ मैच 12 की बजाय 10 अक्टूबर को खेलेगा। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान मैच शेड्यूल के मुताबिक 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टेक्निकल कमेटी तशकील दे दी। मिसबा उल हक सरबरा मुकर्रर। क्रिकेट टेक्निकल कमेटी में इंजमाम उल हक और मोहम्मद हफीज भी शामिल हैं। टेक्निकल कमेटी क्रिकेट से मुतालिक अपनी तजावीज पेश करेगी। इनमें डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा, प्लेइंग कंडीशंस, कौमी सिलेक्शन कमेटी का तकरर, कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस की तकरारी, सेंट्रल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स और एम्पायर्स और रेफरीज और क्यूरेटर्स के बारे में मंसूबा बंदी शामिल है। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा जका अशरफ का कहना था कि वो मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी के लिए मिसबा उल हक, इंजमाम उल हक और मोहम्मद हफीज को खुशामदेद कहते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। जका अशरफ ने अपने पैगाम में कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा किसी भी क्रिकेट खेलने वाली कौम का सतून होता है। हमें अपने ढांचे को बेहतरीन अंदाज में तैयार करना है। मिसबा उल हक, इंजमाम उल हक और मोहम्मद हफीज की मौजूदगी से हमारे क्रिकेट सिस्टम को बेहतरीन बनाने में मदद मिलेगी ताकि हम बेहतरीन क्रिकेटर सामने ला सकें। कमेटी के सरबरा मिसबा उल हक ने अपनी तकरारी पर कहा कि ये उनके लिए एजाज की बात है कि उन्हें कमेटी का सरबरा मुकर्रर किया गया है। मिसबा उल हक ने कहा कि ये जिम्मेदारी उनके लिए चैलेंज है। वसी तजर्बे और मालूमात की बदौलत ये कमेटी खेल में बेहतरी से मुतालिक अपनी तजावीज के जरिए ग्रास रूट से टॉप लेवल पर मुस्बत तब्दीली सामने ला सकेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम नई टेस्ट रैंकिंग में 2 दर्जा बेहतरी के बाद 4थी पोजीशन पर आ गए। टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन 883 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। इंग्लिश खिलाड़ी जो रूट 1 दर्जा तरक्की के बाद 859 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ 2 दर्जा तरक्की के बाद 842 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम 2 दर्जे बेहतरी के बाद 829 पॉइंट्स के साथ 4थे नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन 879 पॉइंट्स के साथ पहली और जनूबी अफ्रीका के कगेसो रबादा 825 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। शाहीन आफरीदी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में 3 दर्जे बेहतरी के बाद 6थे नंबर पर आ गए हैं।